वहीं राम मंदिर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उनका कहना है कि कोर्ट से बात नहीं बनी तो संसद से बनाएंगे राम मंदिर, राम मंदिर पर संसद में ले जाया जाएगा कानून, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। तो अगर कोई विकल्प नहीं बचता तो कानून लाया जाएगा, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। राम मंदिर पर संसद में कानून लाया जा सकता है, उनका कहना है कि अगर कोर्ट में बात नहीं बनी तो संसद तक ये बात ले जाई जाएगी। लोगों को विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जल्द आएगा, उसके आधार पर जो बाधाएं हैं वो हटेंगी और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर किसी भी परिस्थिति में, अभी इसमें बहुत ज्यादा डिले होता है, तो जो राम भक्त हैं, जो साधु संत हैं, सबकी लगातार इस संबंध में मांग है और जो संकेत हम लोगों को भी मिल रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत देर नहीं होनी चाहिए मंदिर के मुद्दे पर, और इसका या तो जजमेंट समय से आ जाएगा या तो आपस में बातचीत के आधार पर हल होगा। वो तीसरे विकल्प के रूप में संसद में कानून बना करके भी रास्ता खुला हुआ है। तो राम मंदिर को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर कोर्ट में बात नहीं बनी तो संसद तक इस बात को ले जाया जा सकता है, संसद में ले जाकर इस बात पर कानून बनाया जा सकता है। तो बहुचर्चित राम मंदिर निर्माण को लेकर एक और विवादित बयान सामने आ रहा है। राम मंदिर पर संसद में कानून लाया जा सकता है, कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। अगर कोई विकल्प नहीं बचता तो कानून लाया जाएगा, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। कोर्ट से बात नहीं बनी तो कानून बनाया जाएगा। एक बार और आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जल्द आएगा, उसके आधार पर जो बाधाएं हैं वो हटेंगी और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर किसी भी परिस्थिति में, अभी इसमें बहुत ज्यादा डिले होता है, तो जो राम भक्त हैं, जो साधु संत हैं, सबकी लगातार इस संबंध में मांग है और जो संकेत हम लोगों को भी मिल रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत देर नहीं होनी चाहिए मंदिर के मुद्दे पर, और इसका या तो जजमेंट समय से आ जाएगा या तो आपस में बातचीत के आधार पर हल होगा। वो तीसरे विकल्प के रूप में संसद में कानून बना करके भी रास्ता खुला हुआ है। तो सुना आपने, साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि दूसरा विकल्प यही है कि संसद में इसका कानून बनाया जाएगा। हमारे साथ सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बयान सामने आ रहा है डिप्टी सीएम का, केशव प्रसाद मौर्य जी का, उनका कहना है कि अगर कोर्ट में बात नहीं बनी तो इसका कानून बनाया जाएगा संसद में, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं केवल एक बात कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, जब भी ये अपने झूठ में फंसते हैं, फरेब में फंसते हैं, जुमलों में फंसते हैं और जनता के प्रति जवाबदेही जब बनती है और जब नहीं जवाब दे पाते हैं, तब ये भगवान राम को याद करने लगते हैं और भगवान राम को केवल सत्ता के लालच में याद करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा तो बात की बात है, आप ये बताइए जिन वादों पर आप चुनाव जीत के आए थे उनमें से कौन सा आपने काम कर दिया? ये केवल झूठ बोलने वाले, गुमराह करने वाले लोग हैं और भगवान राम भी अब की इनको सजा देंगे। बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोर्ट में बात नहीं बनी तो हम कानून बनाने को भी तैयार हैं इसको लेकर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को संविधान पर भरोसा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद बात करिए। कोई नेता कहता पहले बनने लगेगा, कोई कहता हमें संविधान पे भरोसा है, कोई कहता हमारे एजेंडे में भगवान राम नहीं है, कोई इनका नेता बता देता है सीता मैया कैसे पैदा हुई थी। तो ये साइंटिस्ट भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, भविष्यकर्ता भी हैं, तो ये क्या है ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते, बस समय देख के, परिस्थिति देख के बयान दे देते हैं। ये वाणीवीर लोग हैं और इन वाणीवीर के अलावा इनके पास कोई भी काम नहीं है जो ये खुद कर सके। बिल्कुल सुनील जी, हमने सुना कि उनका कहना है कि संत समाज जिस मामले को लेकर काफी परेशान रहते हैं कि राम मंदिर आखिर कब बनेगा, कहीं ये सियासत तो नहीं हो रही इसमें, कहीं ये संतों का वोट लेने के लिए तो नहीं हो रहा कि जो उन्होंने बोला कि कानून बना दिया जाएगा, कुछ भी करके राम मंदिर बनेगा जरूर। देखिए, हम कह रहे हैं अगर इनको संतों की इतनी चिंता होती तो
तो फैजाबाद में संतों की हत्या हुई, इन्होंने क्या किया? सुल्तानपुर में संतों की हत्या हुई, इन्होंने क्या किया? औरैया में संतों की हत्या हुई, क्या किया? अरे संतों, एक तो संत बैठे हैं सरकार में, बाकी संतों की हत्या हो रही है। ये संतों के चिंतक कब से हो गए? ये केवल सत्ता के लालची लोग हैं और इनको सत्ता में बने रहने के लिए भगवान राम का नाम भी समय समय पर बेचते रहते हैं। भगवान राम के बताए रास्ते पर चलने में इनकी हालत खराब हो जाती है, उस पर नहीं चलते हैं। मैं कह रहा हूं अगर भगवान राम के भक्त हैं तो भगवान राम के रास्ते पर चलो। भगवान राम ने जो रास्ता दिखाया, जो उन्होंने व्यवहार और चरित्र समाज के सामने रखा है, उसमें उसका तो कोई पालन नहीं करना चाहता है। ये केवल झूठ बोलते हैं और ये समझ रहे हैं खास तौर से उत्तर प्रदेश में कि जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में उनका खाता नहीं खुल रहा है, इसलिए भगवान किस्म को याद आ गया। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन कितना जायज लगता है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम अगर ये बात बोले? तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया सुनील जी के साथ। बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर कोर्ट से बात नहीं बनी तो दूसरा विकल्प लिया जाएगा, यानी कि कानून बनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। अपनी राय दी है उन्होंने कि राम मंदिर पर संसद में कानून लाया जाएगा, एक विधेयक लाया जाएगा, कोर्ट से बात अगर नहीं बनी तो दूसरा विकल्प अपनाया जाएगा,